Okay. We are in love with Ladakh and India. Okay. And sure, that is not the last time, because we really enjoyed. How was the journey? Oh, really nice, man. We really enjoyed everything. Like, we can't expect all this amazing landscape. It's amazing. We love it. Good morning, guys, to everyone. सुबह के बज रहे हैं अराउंड 6:30 फ्रॉम ले. रोड अच्छी है, दो पासेज हैं, दैट मीन्स आगे दो हाई पीक माउंटेन के क्रॉस करने हैं और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे मनाली. एंड फिर मनाली में अनूप की बाइक जो है उधर, कहाँ मनाली में अनूप की बाइक को या तो वहाँ से बैटरी डाल के निकलना है, क्योंकि बैटरी का कॉस्ट है, एक लगवाएंगे हम लोग तो 3,500, और अगर सामने वाला 6,500 बोलता है तो हम लोग वही बैटरी डाल के, एक नई बैटरी डाल के चले चलेंगे. अगर वो चलती है तो, उसे भरोसा तो कम है, हो सकता है बीच रास्ते में वो धोखा दे दे, बट वो अनूप को डिसाइड करना है. मेरे हिसाब से अगर हम लोग टो करवा लेते तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, फालतू में रिस्क रहेगा. बीच में बंद पड़ गई, अब तो वहाँ टो करवाना पड़ेगा, उतना ही पैसा देना पड़ेगा, प्लस बैटरी का भी जाएगा, इट इज़ अनदर एक्सपेंस. रोड खाली है, सारे शॉप्स ले में बंद है, मार्केट में कुछ भी नहीं खुला है, मतलब हम लोगों को चाय तक नहीं मिली. कहीं चाय मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा. सो ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है. सो गाइस, जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी, बट पुणे से पदुम की जो जर्नी थी वो मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं बोलूँगा. वो इतनी डिफ़िकल्टी थी, बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी वो, मतलब उतना स्ट्रगल मैंने कभी नहीं किया था. एक्चुअली मैंने कभी ऑफ रोडिंग की भी नहीं थी, और उतना मतलब फर्स्ट टाइम जाना और फर्स्ट टाइम जिस्पा से सीधा पदुम कर देना, दैट इज़ ऑल्सो यू नो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टास्क होता है वो, बट हमने किया. इधर से सनराइज़ हो रहा है, जो कि अभी अनदर 10-15 मिनट में दिख जाएगा. यहाँ पे हम लोग अभी जहाँ जा रहे हैं उधर, वो रोड बहुत फेमस है वीडियोस और इसके लिए, शूट के लिए. उधर अगर आप इवनिंग में पहुँचो तो बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं और वीडियोस भी बहुत अच्छे बनते हैं, रील्स भी बहुत अच्छे बनते हैं. अब वहाँ ट्राई करेंगे बनाने के लिए, देखते हैं कैसा बनता है. फिर हम लोग भरा रहे थे पेट्रोल. लाइट चालू है क्या अभी? बंद, छोटा सा है. हाँ ठीक, तो पेट्रोल पंप पे हम लोग फ्यूल डला रहे हैं एक्स्ट्रा. उसने एक 5 लीटर ले लिया है, मेरा तांडी तक हो सकता है पहुंच जाएगी, और कुछ तो है नहीं चांस. अभी कहाँ आएगा पेट्रोल पंप आगे? हाँ ठीक है, वहाँ डलवा देंगे, 3-4 लीटर तो आ जाएगा, वहाँ डलवा लेंगे एक. और यार ये पता नहीं कहाँ टूट गया, पता ही नहीं चला. ये हम लोग अनदर आई थिंक 8-10 किलोमीटर आगे आ गए हैं फ्रॉम ले. अभी आई थिंक 20-25 किलोमीटर के बाद जो आगे वाला बंदा है हमारे मिस्टर रॉय, वो चले जाएंगे हिलने के लिए. कौन सा, उमलिंगला जा रहे हैं वो. हम लोग ये बार उमलिंगला, खारदुंगला और पेंगोंग लेक नहीं कर रहे हैं. फ्यूचर रीज़न है, थोड़ा काम भी है जो पेंडिंग है काफ़ी दिनों से, वो सब जाके निपटाना है, करना है.
काम वाम हो जाएगा तो फिर देखेंगे, ये साल हो पाता है तो ये साल, नहीं तो नेक्स्ट ईयर करेंगे। और बट ये साल में एक आध और ट्रिप मारना है, देखते हैं एक बाइक ट्रिप कहाँ की लगती है आफ्टर दिस, बट अभी तो यही चल रही है फिलहाल। अभी हमको जिस्पा और मनाली पहुँचना है। हम लोगों ने क्योंकि अनूप को बाइक भिजवानी है करके, तो उसको मनाली जो है पहुँचना ज़रूरी है। देखते हैं, डिपेंड करेगा कैसी स्पीड है, हम लोग कितना चला पाते हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। हम लोग अभी यहाँ पे सुकू में चाय पी रहे थे, चाय इतनी कुछ खास नहीं थी। आप लोग कहीं और अगर कोई प्लान कर रहा है तो कहीं और ट्राई करना। अरे इनको क्या हो गया, चलो आगे मिलते हैं। जाता है ये मनाली जाता है, एंड इवन पेंगोंग लेक की तरफ भी यही रोड जाता है। ऊपर वाला रोड आप लोगों को नहीं लेना है अगर आप लोग आ रहे हो ले से। सो आगे से जहाँ से कट होगा मनाली और पेंगोंग और मलिंगला के लिए, मतलब हानले के लिए, वो रोड हम आपको बताएंगे। बेसिकली हानले आपका रोड जो मिलता है वो आपको पेंगोंग लेक क्रॉस करने के बाद ही मिलता है, जो कि स्टार्टिंग में ऑफ रोड रहता है। आई डोंट नो कितना क्या है। वेलकम टू मिलिट्री स्टेशन कारू। सो कारू में हम लोग अभी रुके थे और ये मिलिट्री स्टेशन है, तो यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हो, ऐसा नॉर्मल आप शूट करते हुए जा सकते हो बट ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। सो मैं भी यहाँ बंद कर देता हूँ फिर भी कैमरा। इसके पहले हम राइड कर रहे थे, मिलिट्री एरिया क्रॉस कर रहे थे, तो मिलिट्री एरिया का स्पीड 40 था और स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा नहीं, तो आगे इंडिकेटर लगा रहता है और वो वार्निंग बता रहा था। तो आई वॉज एट 52, सो दिस गाय वॉज गोइंग सम अराउंड 55-60। रोक रहा हूँ, रोक भी नहीं रहा है ये, और आगे इसके लिए उन लोगों ने लगा के रखा है। और रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं रहती, इसके लिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज दैट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया, सो वी शुड नॉट रिकॉर्ड दैट। सो अभी हमने स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग आफ्टर क्रॉसिंग द मिलिट्री एरिया, सो दैट लोकेशन और ऑल द ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें मिले। बाय द वे ये ऑन द वे रोड पे ही है, बट हम लोग को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप मिलिट्री एरिया क्रॉस कर रहे हो तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ गोप्रो, नाइदर फ़ोन और ड्रोन, तो भैया कभी नहीं। सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और मिलिट्री एरिया में आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, और स्पीड लिमिट आपकी 40 ही रहनी चाहिए, नॉट अबव दैट। फिर भी हम लोग कम कम करके भी 45 चल रहे थे, हम लोगों ने फिर भी वो लिमिट को क्रॉस ही किया। वैसे 4-5 किलोमीटर पर आओगे उतना थोड़ा बहुत चलता है, चलता तो नहीं है वैसे, बट हम लोगों ने चला के लेके आए हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द सेम, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, नाउ वी कैन राइड एट एनी स्पीड। कोई दिक्कत नहीं है, भी बड़ा खूबसूरत सिटी है। ये बार हमने जो छोड़ा है, जो हमने नहीं किया है, वो है पेंगोंग लेक, खरदुंगला टॉप एंड हानले उमलिंगला। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे बिकॉज काफ़ी काम है, रिटर्न फाइल करना है और ऑफिस के भी, मेरे बिजनेस के भी कुछ काम है जो करना जाके ज़रूरी है, तो हम लोग को थोड़ा जल्दी है पहुँचना है क्योंकि मनाली में इसकी बाइक लोड करवानी है। एक दिन हमारा मनाली में चला जाएगा, मतलब नहीं नहीं करके तो हाफ डे चला ही जाएगा, हो सकता है हम लोग आगे जाके रुक जाएं कहीं पे, बट हम लोग को थोड़ा जल्दी पहुंचना है चंडीगढ़ क्योंकि मेरी बाइक 2-3 जगह पे, जब हम लोग पुणे से आगे की तरफ जा रहे थे तो मेरी बाइक कम से कम नहीं नहीं करके तो 3 जगह गिरी है। और उसके बाद एक जगह हम लोग जब पदुम से हम लोग राइड करके लेह की तरफ आ रहे तो एक जगह ड्रॉप हुई थी, तो मेरे दोनों लीवर एज से टूट गए हैं, तो शॉर्ट ही है, छोटा ही है अभी। सो अभी तक की स्टोरी
ये है आगे जो जो घटना घटित होगी हम आपको उसके बारे में आगाह करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। उसी के लिए हम लोग निकले हैं, उसी के लिए हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। अभी के लिए दैट्स इट। आगे काफ़ी अच्छा रोड है, काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू है, वो हम लोग कुछ पासेज हैं दो तीन वो क्रॉस करेंगे, वो भी हम आपको रिकॉर्ड करेंगे, वो भी दिखाएंगे। तो आज का ब्लॉग रहेगा फ्रॉम लेह टू मनाली, वेर एवर वी स्टॉप, मे बी टिल जिस्पा, दैट्स इट। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन सारी सब कुछ सारे डिटेल क्या कैसे हमने कवर किया और क्या ध्यान देने की ज़रूरत है वेन एवर यू आर राइडिंग टूवर्ड्स जंस्कार, बिकॉज दैट्स अ वेरी न्यू रोड और वो कुछ दिनों में बन भी जाएगा और हैवी टर्न आ गया एक। सो मुझे दो तीन काम करने हैं बाइक में, एक तो लीवर है, दूसरा टायर का मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। सिटी में तो मैं आराम से अभी ये राइड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे टायर हैं ये जो कंपनी से फिटेड आए थे मेरे को, लेकिन अब बहुत परेशान किया है इन्होंने ये टायर्स ने हमको उधर पुरने में, क्योंकि ऑफ रोड टायर है नहीं करके। तो एक अच्छे ऑफ रोड टायर मुझे ख़रीदने हैं क्वालिटी वाले, जिसको जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज रीज़न ये है कि मुझे करवाना है उसको ट्यूबलेस। और ट्यूबलेस इसके लिए क्योंकि हम जिस तरह की राइड अभी कर रहे हैं, और मज़े की बात तो ये है और इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज़ कि रुको ये बंद कर लेता हूँ नहीं तो आपको आज काफ़ी डिस्टर्बिंग आ रही होगी। हाँ मज़े की बात ये है, एक मिनट बंद कर देता हूँ ये। बाय, चलो टूवर्ड्स मनाली में ही है पहला ब्रिज है जो हम क्रॉस करेंगे। वो हमारे साथ जो थे असम के मिस्टर रॉय वहाँ से जा रहे हैं और उनके चैनल का नाम है, वो जा रहा है रोड टूवर्ड्स पैंगोंग लेक एंड हानले, वाया हानले ही विल गो टू उमलिंगला पास, जो हम लोग ये बार नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बुरा भी लग रहा है लेकिन और भी इम्पोर्टेंट काम है जो मुंबई में जाके करने ज़रूरी हैं। सो हम लोग 10 तारीख को निकले थे, आज कितनी हो गई, आज 22nd आई थिंक या 22 तारीख है आज। अब हम लोग बहुत ही नीचे से जा रहे हैं रिवर के साइड से, इसका मतलब ये है कि आने वाला जो रोड है वो अब हम माउंटेन पे चढ़ने वाले हैं वेरी सून। सब कोई ना कोई पास आएगा आधे एक घंटे में, ये हो सकता है हाफ एन आवर तक का रोड हो, साइड बाय साइड रिवर बह रही है। मनाली 414 भाई साहब भगाए जा रहे हैं, मनाली के नशे में है, पहुंचना है इनको। आप मई जून में आओगे तो ये रिवर एकदम ऊपर से बहती रहती है। अभी थोड़ी सी ड्राई है, सो अगर आपको वाटर क्रॉसिंग कम करनी है, कम पसंद है, तो यू स्टार्ट योर जर्नी इन मिड अगस्त। सो मिड अगस्त के बाद यू नो टिल सितंबर यू कैन डू, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। सो वो आपको वाटर क्रॉसिंग बहुत ही कम मिलेगी या तो ना ही मिलेगी, बट जिस जिस रास्ते से हम लोग गए हैं, जंस्कार जो हमने किया है वहाँ पर वाटर क्रॉसिंग थी, अच्छी खासी थी।
बट वो भी हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग कवर किया हुआ था। तो साइक्लिस्ट हैं जो हमको बेस्ट ऑफ लक थम्स अप दिखा के करते हैं, जो एक जो हर एक राइडर करता है एक दूसरे राइडर के लिए, वेदर ही इज ऑन बाइसिकल और मोटरसाइकिल। आई थिंक हम लोग अब पहुंच गए हैं मेरू, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रोनंसिएशन में, बट दिस इज कॉल्ड मेरू। इतने प्यारे प्यारे विलेज दिखते हैं ना, छोटे छोटे, एक घर यहाँ एक घर वहाँ, ऐसे पांच छह घर रहेंगे फिर यहाँ पे खेती होती है। तो क्या जगह है यार, नेचर से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे सब। लोग अभी ससोमो क्रॉस कर रहे हैं, भाई साहब को थोड़ा वेट कर लेता हूँ, थोड़ा पीछे हैं। मुझे लगा मनाली मनाली बोल रहे थे पूछ पहुँचने के लिए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं और एक पागल नाला बोलते हैं और देखते हैं उसमें पानी है या नहीं है, ड्राई है क्या है, चेक करना पड़ेगा। है तो बड़ा डिफिकल्ट रहता है, बहुत लंबा है एक्चुअली में, उसमें पीछे 100% सपोर्ट होना चाहिए किसी का, और ऐसी बाइक में तो चाहिए ही चाहिए जिसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, और पत्थर अगर बड़े रहते हैं तो बैलेंस मेंटेन करने में इश्यू होता है वाटर क्रॉसिंग में, तो पत्थर दिखते नहीं हैं पानी के अंदर कितने बड़े और कितने छोटे हैं। ये भी पीछे से आ ही गए अनूप भाई, अभी हम लोग साथ में चलेंगे, अभी ये आगे चलेंगे, उनको जिस स्पीड से चलना है उस स्पीड से चलेंगे। मुझे एक ही टेंशन है पागल नाला, मुझे थोड़ा पानी से प्रॉब्लम है। अब एक बार मैं वाटर क्रॉसिंग में गिर चुका हूँ करके, और दो जगह फंस चुका हूँ, मतलब पीछे से लोगों ने पुश किया है, काफ़ी पुश किया है, तो वो गाड़ी बाइक एक्चुअली आगे निकली है, नहीं तो टायर नीचे फंस जा रहा था कंक्रीट में। तो 169 किलोमीटर है और अराउंड 380 किलोमीटर मनाली। सो अब हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि कब आ जाए वो पागल नाला जो है, वो शायद से सरचू में ही है, मुझे मैं भूल गया हूँ, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है और मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं किसी से, और कोई राइडर सामने से आता रहेगा तो हम उसको रोक के एक बार पूछ लेंगे, कोई अगर अर्ली मॉर्निंग जिस पास से निकला होगा तो मिल सकता है, जो ले के लिए आ रहा हो सकता हो मिल जाए हमको, नहीं मिला तो जैसा भी रहेगा क्रॉस करेंगे, ज़्यादा पानी रहेगा तो वेट करेंगे, कोई आ जाएगा तो उसे हेल्प लेंगे, तो कम पानी रहेगा तो कोई इशू ही नहीं है, तो क्रॉस ही कर जाना है। हम लोग अभी पहले पास पे हम लोग चढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे चढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेदर भी चेंज हो रहा है, वेदर इन द सेंस थोड़ा सा चिल्ड होते जा रहा है, कोल्ड। सो नीचे काफ़ी अच्छा था, ऊपर जैसे आ रहे हैं हाथ में ठंडी लग रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली ना मेरे को ग्लव्स पहन के ना जम नहीं रहा है, आई थिंक ये चेंज कराऊंगा तो शायद सही हो जाएगा, इसको कुछ सेटिंग करूँगा ग्लव्स का। पीक पे पहुंचने वाले हैं, रोड इतनी बेहतरीन है कि मुझे ऐसा लगता है मुंबई के
रूट फेल है इस रूट के आगे, टारमैक रूट। टारमैक रूट की अच्छी बात क्या है ना, ये टायर जो है ना चिपक के चलते हैं, उनके साथ स्किड नहीं होते हैं। जो सीमेंटेड रोड होता है बहुत स्लिपरी होता है, अगर कुछ भी ग्रीस या ऑयल कुछ गिर जाता है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाता है। मैंने ग्लव्स पहना नहीं है, वैसे मेरा ये हीटेड ग्रिप्स है तो वो मैंने ऑन कर दिया है, तो ऊपर थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, थोड़ा सा और कोल्ड हो गया है। हाथ काम करे करके थोड़ा सा गर्मी तो दे रहा ही है। व्यू देखो कितना सीनिक है, और ये रोड, माय गॉड व्हाट अ रोड। सो अभी सर्च अराउंड आई थिंक 157 और 160 किलोमीटर है, सो पागल नाले की तलाश जारी है, कब आता है वो देखना है। सोचो ऐसी जगह पे ऐसे रोड बने हुए हैं, माउंटेन पास पे, कमाल है यार। बीआरओ का काम बेहतरीन काम है, ये रोड आगे जा रहा है, ये कॉन्वॉय जा रहा है मिलिट्री का आगे, ये ऐसे 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 रोड वहाँ पे पास करेगा और उस पास पे जाएगा ऊपर वाले पे। थोड़ा सा ऑफ रोड आ गया है, मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग गुड, कंटिन्यूअस कोई सामने बड़ा पत्थर ना जाए। फाइनली क्रॉस हो गया है, थोड़ा बहुत और होगा आगे। जाएंगे नहीं, साइड में लगा रहे थे सो दैट वो पीछे ना, साइड में लगा ना, साइड में।
मटेरियल वगैरह सप्लाई करना भी थोड़ा सा दिक्कत होगा। वो तो है, बहुत बहुत पीक पे ऐसे ऐसे रोड है वो। ये मेरा दोस्त है, आगे निकल गया। चलते हैं सर। हम लोग शायद से पहुंच गए पीक पे। सरचू नहीं, सरचू तो नहीं पहुंचे, कुछ और लग ही। नो स्पीड, सॉरी। तांगलांगला हम लोग पहुंच गए हैं। तांगलांगला हम लोगों ने 111 किलोमीटर चलाया है। मनाली 364, चंडीगढ़ 673. अनूप, सो हम लोग अभी पहुंचे हैं तांगलांगला। सो दिस इज तांगलांगला। तांगलांगला इज 17,582 feet अबव सी लेवल। तांगलांगला टॉप। सो वी आर एट तांगलांगला 17,582 फीट सी लेवल के ऊपर हैं हम लोग, और काफ़ी अच्छी खासी हाइट है ये। सो हम लोग का ये पहला पास था फ्रॉम ले टू मनाली। दिस इज द फर्स्ट पास। इसके बाद आई थिंक सरचू और दो चार छोटे छोटे और पास आएंगे। मिस्टर सासा फ्रॉम इटालिया। We are two guys from Italy. Two guys from Italy. And we this rent, bike is also from Italy, or no, you? No, we rent here in. You rented here. Okay. Lab, and okay. We just did 10 days around the Ladakh. That we really love it. Okay. We are in love with Ladakh and India. Okay. And sure, that is not the last time because we really enjoyed. And how was the journey? Oh, really nice, man. We really enjoyed everything. Like, we can't expect all this amazing landscape. It's amazing. We love it. So your plan is to go to Manali, and are you finishing your ride now in Manali? We finish now the ride. We go in Leh. So we just keep it at the bike and then fly to Delhi. Okay. And go to Agra and Jaipur. Agra and Jaipur. Yeah, we want to see the Taj Mahal. Yeah, please go. That's a beautiful place. I know. Actually, my native place is UP, Uttar Pradesh. I haven't been to Agra. Yeah, never. Really? No, never. No, you have to be there. Right? Yeah, I have to be. Come there. On. One of the like seven wonders of the world, no? Yeah. This is my friend that I travel to.
He's the Hello. One of the Hello. Most important YouTuber and influencer in Italy. Fuck off. Okay. You just take an interview of the most important influencer. Sorry about the altitude. Yeah. What's your name? Alex. Alex. Yeah. Remember your channel his name? Alex Moto Travelers. Okay. Alex Moto Travelers from Italia. Yeah. Oh. Moto Travelers. Moto Travelers. Nice logo. Thank you. Yeah. Me, I am Sasa Planet. You can find me on Instagram and YouTube as well. Yeah, we will search. We will I don't search. Have the same followers. Oh, see, listen. The funny thing is, I started my YouTube channel on in Manali. Sasa, I am Sasa. And I think we are going to where? Yeah. Leh. So Sarsa and my channel is Sarsa Planet. Sarsa Planet. Then I write you on your phone. Okay. Then you, Alex, you can, we can. I'll mention you. Yeah, because you have the most beautiful bike of India. Yeah. Alright. हो गया break. अब हम लोग start करेंगे towards. Manali. कुछ लोग फोटो ले रहे हैं अनूप की बाइक के साथ.